गाइस, एक परफेक्ट डिफ्यूज़र बनाने के लिए कुछ सामान का हमें ज़रूरत पड़ने वाला है, जैसे कि हो गया एक इंजेक्शन और एक सैंड पेपर और कुछ वायर्स, जो कि आपको इजीली किसी भी स्टोर्स में आपको इजीली कॉस्ट में 10 रुपये में आपको इतना वायर मिल जाएगा। और हमें एक टूटा हुआ टाइल्स का ज़रूरत पड़ने वाला है इसी तरीके का। और अगर आपके पास टाइल्स नहीं है तो और एक आइडिया है, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। उसके बाद गाइज हम क्या करेंगे, इसका जो टाइल्स है ना गाइज, इसको पूरा घिस के ऊपर और नीचे दोनों साइड से घिस के गाइज इसको बहुत ही पतला करना है, क्योंकि ये काफ़ी मोटा है, तो इसको गाइज हमें पतला करना पड़ेगा। उसके बाद गाइज आपको क्या करना है, एक इंजेक्शन को 2 पीसेस में कट करके उसके ऊपर टाइल्स डाल के चिपकाना है। लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा गाइज आपको कि वो जो गम आप यूज़ करोगे, फेविक्विक जो आप यूज़ करने वाले हो, वो इंजेक्शन के अंदर नहीं जाना चाहिए, बाहर से आप चिपकाना उसको, क्योंकि अगर अंदर जाएगा तो एयर पास नहीं हो पाएगा और डिफ्यूज़र आपका फेल हो सकता है, इसीलिए आपको बाहर से चिपकाना है। काम हो जाने के बाद गाइज आपको क्या करना है, उसके ऊपर धागा बांधना है, वाइट कलर का धागा बांध देना है और उसके ऊपर फेविक्विक डाल दीजिएगा, ताकि एक सील जैसा हो जाए, टाइट हो जाए और कम्प्लीट पैक हो जाए और एयर लीक ना हो। तो गाइज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था और एक आसान सा तरीका है, तो ये है गाइज़ आसान सा तरीका, एक कुल्लड़ पिज़्ज़ा या फिर कुल्लड़ चाय या फिर हांडी बिरयानी कह सकते हो, उसी से हम, इसका जो पॉट होता है ना गाइज़, इसी से हम इजीली बना सकते हैं। और इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है, मतलब जितना हमारा टाइल्स में मेहनत है गाइज़, इसमें उतना मेहनत नहीं है, आप ईज़िली इसको घिस के ईज़िली बना सकते हो। और गाइज जो हमारा पॉट है उसको सर्कल सा शेप में इसको तोड़ लेना है और अपना साइज के हिसाब से उसको तोड़ना है और इंजेक्शन को काट के गाइज उसको ऊपरी भाग को ना, मतलब सैंड पेपर से रब करके उसको क्लीन कर लीजिएगा, ताकि हम उसको स्टिक कर सकें। उसके बाद गाइज आपको चिपकाने के बाद ध्यान रखिएगा कि बाहर से आप चिपकाओ, उसको चिपकाने के बाद गाइज उसको सर्कल वाला शेप देना है और शेप देने के बाद इंजेक्शन का जो आउटलेट है, आउटलेट या इनलेट जो भी आप कह सकते हो, उसमें आपको पाइप फिट करना है और पाइप को गाइस अच्छे से स्टिक करना है, ताकि उसमें एयर लीक ना हो। और इसके बाद गाइस आपका जो डिफ्यूज़र है वो रेडी टू गो है गाइस।